In this question, the general solutions of the equation cos x into cos of 6x is equal to minus 1. So, यहां से हमारे पास रेंज ऑफ cos x क्या होती है, हमारे पास minus 1 to 1. So, cos x into cos 6x equals to minus 1. Minus 1 है. तो इसका general solution हमें find out करना है. Okay, तो we know that cos x की रेंज कहां से कहां होती है? From minus 1 to 1. ओके तो यहाँ से टू कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं कि कोस एक्स वन होगा कोस सिक्स एक्स माइनस वन हो या कोस एक्स माइनस वन हो तो कोस सिक्स एक्स प्लस वन हो. ओके क्योंकि हमें पता है कोस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है माइनस वन टू प्लस वन. सो केस फर्स्ट हम क्या लेते हैं व्हेन कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. सो कोस सिक्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वन के इक्वल होगा. ओके एंड सेकेंड केस क्या लेते हैं हमारे पास when cos x is equal to minus 1 sorry plus 1 and cos 6x kya ho jayega to wo ho jayega minus 1. So cos theta equals to so we can say that this cos x kya hoga cos x value is minus 1. So x can take values odd multiples of pi. Okay and cos 6x equals to is always gives positive values because 6x is always the even multiples of पाई. तो यहाँ से हमारे पास केस फर्स्ट है हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्या आ जाएगा कोस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. ओके एंड कोस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू वन. सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू मीन्स व्हेन कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन सो एक्स इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई मीन्स ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई क्योंकि क्या वैल्यू होगी पाई थ्री पाई 5 पाई तभी cos x क्या होगा वैल्यू इज माइनस वन और cos x cos 6x क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 2n प्लस 1 इन ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई. ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा तो पाई पर क्या होगा cos 6 पाई इज 1 cos 3 पाई मींस 3 इनटू में 6 मींस 18 पाई cos 18 पाई इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 1. ओके सो x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को ओनली केस फर्स्ट वाली विच इज इक्वल टू cos x इक्वल टू माइनस 1 और cos 6 x इक्वल टू 1 मींस x इक्वल टू 2n प्लस 1 2n plus 1 into pi. 2n plus 1 into pi. Odd multiples of pi. So, L value of x equal to 2n plus 1 into pi where n belongs to an integer values. So, option A will be the correct option.